वो नहीं देखेगा तब तक जो है जो प्रावधान है प्रभावी प्रभाव प्रभाव का वो पड़ता नहीं है बहुत सारे, लेकिन उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से फांसी दी जाती है, उसको समाज के बीच में कोई स्थान नहीं मिलता, इसलिए समाज के ऊपर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसलिए संदेशात्मक सजा लोगों को भी प्रभावित करती है और प्रत्यक्षात्मक कानून आना चाहिए दंडित करने के लिए, तब समाज सुधरता है। बिना प्रत्यक्ष दंड के कभी भी कानून प्रभावी प्रभाव नहीं डाल पाता है। अप्रत्यक्ष रूप में जब भी कोई दंड दिया जाता है लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपराध निरंतर बढ़ते जाते हैं। उस लड़के ने अप्रत्यक्ष रूप से उस लड़की की हत्या करके प्रयास किया। मैं तो ऐसी सज़ा के लिए कहूँगा जो प्रत्यक्ष रूप से चौराहे पर दिए जाने चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को संदेश मिले। कुत्तों को छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर दही डाल के छिड़क करके उसके ऊपर ऐसी शहद डाल करके छोड़ देना चाहिए जिससे जीव जंतु उसको काटें, तब उसको भी कष्ट हो और दूसरे लोग भी दहशत में आएंगे, तब अपराध में कुछ सुधार संभव होगा। वो नहीं देखेगा तब तक जो है जो प्रावधान है प्रभावी प्रभाव प्रभाव का वो पड़ता नहीं है बहुत सारे, लेकिन उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से फांसी दी जाती है, उसको समाज के बीच में कोई स्थान नहीं मिलता, इसलिए समाज के ऊपर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। इसलिए संदेशात्मक सजा लोगों को भी प्रभावित करती है और प्रत्यक्षात्मक कानून आना चाहिए दंडित करने के लिए, तब समाज सुधरता है। बिना प्रत्यक्ष दंड के कभी भी कानून प्रभावी प्रभाव नहीं डाल पाता है। अप्रत्यक्ष रूप में जब भी कोई दंड दिया जाता है लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपराध निरंतर बढ़ते जाते हैं। उस लड़के ने अप्रत्यक्ष रूप से उस लड़की की हत्या करके प्रयास किया। मैं तो ऐसी सज़ा के लिए कहूँगा जो प्रत्यक्ष रूप से चौराहे पर दिए जाने चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को संदेश मिले। कुत्तों को छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर दही डाल के छिड़क करके उसके ऊपर ऐसी शहद डाल करके छोड़ देना चाहिए जिससे जीव जंतु उसको काटें, तब उसको भी कष्ट हो और दूसरे लोग भी दहशत में आएंगे, तब अपराध में कुछ सुधार संभव होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।